धर्म क्षेत्र और धर्म भूमि। धृतराष्ट्र उवाच का मतलब क्या लिखा हुआ है? बोल तो रहा हूँ, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि। किधर लिखा हुआ है? ये सामने येलो हाईलाइट किया हुआ है। धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ, धृतराष्ट्र उवाच का अर्थ हुआ धृतराष्ट्र ने कहा। उवाच का मतलब होता है कहना, कहा, कथन। और धृतराष्ट्र एक राजा था जिसका नाम था धृतराष्ट्र। ये कोई राष्ट्र नहीं था। उल्लू के पट्टे निकल जाए यहां से, ना संस्कृत आती है ना कोई चीज आती है। बाग झोपड़ी के तेज छोड़, चुतू आता जाता कुछ नहीं है, बकलोलबाजी करने आ जाते हैं यहां पर, चमन चूस, निकल जा उल्लू का पट्टा। तब से दिमाग खा रखा है, इसरो में बैठा हूं, इसरो में बैठा हूं, इसरो के टटी खाने के अंदर भी तुझे पानी ना पीने दे, उल्लू का पट्टा सनातन की लुटिया डबोकर निकल गया है। धृतराष्ट्र उवाच का कर रहा है। उवाच का मतलब होता है मैदान। हाँ, वो मैदान जहां तेरी बैंड डिस्को करती है। अब सुन के जा, गालियां दे रहा था ना, थोड़े बड़े खामोशी से सुन रहा था तुझे मैं। उल्लू का पट्टा कहता है, लाइव चल रहा है ना, तूने गलती से ले लिया उल्लू के पट्टे, तुझे मेरा पता नहीं, मैं तो बैठा ही तुम लोगों की ताक में होता हूं, मुसलमानों को तो मैं लेता ही नहीं हूं। उल्लू का पट्टा शोखा डेढ़ छणा बन रहा था, चिंदी चोर, चिल्लर पार्टी, मंदिर की चप्पल चोरियां करने वाला चुतू। इसरो की फुल फॉर्म पूछ लेता ना, था इसका पटाखा निकल जाना था। इसरो में बैठ उस बंदे ने गीता तुमने पढ़ी है क्या? और उसको ये नहीं मालूम है धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र कौन है? मतलब हम भी जानते हैं, हम भी जो है ना बचपन में दूरदर्शन पे वो महाभारत देखा करते थे, संडे के दिन 9 बजे सुबह में आता था, ये भी सुन ले तू। और सबको मालूम है वो कौरव के पिता थे, कौरवों के। कथा उवाच कथा मैदान जी, उवाच कथा मैदान को चेक करो। पिछले दस साल में ऐसे ही नमूने पैदा किए हैं। बिल्कुल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान से कोई इस्लाम के ऊपर गाली गलौज करे, तुम्हारी माँ का साकी नाका, उसको तो अपनी बहन का रिश्ता भी देते हो, उसको नेशनल टीवी पर भी बुलाते हो। और जो तुम्हारे सनातन की पुंगी खोले इस्लामोफोब्स की, उस वक्त तुम्हारी मैया कांपने लगती है और दैया दैया होने लगता है और तातिन थैया भूल जाता है तुम्हें, है ड्रामेबाजो। यहाँ के फनकारियां करते हैं हमारे साथ रंगबाज। उस वक्त से इसको सुन रहा हूं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मनोरंजन चल रहा है, तेरी टैंपटास ही खत्म नहीं हो रही, तेरे सेल ही खत्म नहीं हो रहे, तेरी बैटरी चार्ज है, ऊंचाऊ चाऊ 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 लगा। कहता तूने गलती से ले लिया है, मैं हमेशा आता हूं। उल्लू के पट्टे बात वो कर जो पब्लिक यकीन करे, स्क्रीन शेयर करके सफा चट मैदान लाइव दिखाता हूं। जब तुम लोगों का सन्नाटा सांप सूंघा होता है, तुम्हारी माएं बांझ हो चुकी होती हैं, कोकें गिर चुकी होती हैं, वीरिये खुश्क हो चुके होते हैं, मंदिर की टलियां सन्नाटे में डूब रही होती हैं, तुम्हारी मूर्तियां कांप रही होती हैं, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के परचम झुक जाते हैं जिस वक्त तुम्हारी लाइव स्ट्रीम का लिंक ओपन होता है, यहां हमारे साथ आके भड़वा, मेरा मतलब है भगवागिरी करते हो। स्क्रीन शेयर करके सफा चट दिखाता हूं, मार्केट के अंदर से ऐसे शॉर्ट होते हो तुम लोग। आके कहता है मैं 2 महीने से आ रहा हूं। हाँ, तू बाथरूम में जा रहा था कहीं किसी गलत जगह पे, वो मेरे पास नहीं आ रहा था। बिल्कुल सही है। जब उसका आईक्यू लेवल देखें यार, उस बंदे को कुछ नहीं मालूम दुनिया के बारे में भी, और गीता के बारे में भौंकने आया था, गीता में भी वो सलो 0 निकला। मतलब उसको यही नहीं मालूम धृतराष्ट्र उवाच का मतलब क्या होता है, इतना बंदे को नहीं मालूम। वो बंदा रोर भाई, साहिल का भी यही हाल है। जिस टाइम आमिर भाई ने उससे कहा ना, जब आमिर भाई ने उससे कहा कि भाई एक काम कर, तू सदका क्या है उसको डिफाइन कर दे, बिल्कुल उसकी हवा निकल, उसको ये पॉइंट भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्यों कह रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए, इतना भी अकल नहीं है। आप सोच लो ये सारे एक जैसे हैं भाई। तो भैया वही है कि अंधभक्तों को अंधभक्ति ही ट्रेन कर सकते हैं ना, इंटेलेक्चुअल के पास आएंगे तो ट्रेन होंगे। देखिए अंधभक्तों की ट्रेनिंग अंधभक्तों के द्वारा की जा रही है, तो फिर क्या रिजल्ट तो आएगा फिर 0 बटा सन्नाटा जी। फनकारियां करते हैं,
और यार आप नरोर भाई सही मुस्लिम भाई आप लोग तो आगे चल रहे हैं के अच्छा मनीष भाई बाय द वे आ चुके हैं तो मनीष भाई नेक्स्ट हैं ठीक है। अच्छा तो धृतराष्ट्र तो बड़ी दूर की बात है, उसके लिए तो भगवत गीता खोलनी पड़ेगी। मैंने पूछा भगवत गीता का अर्थ बता, तो भगवत को कह रहा है भारत। जिस बंदे को बेसिक भगवत गीता जो पुस्तक है उसके नाम का अर्थ नहीं पता, वो बंदा यब यबैया यहां आकर हमारे साथ बक बकैया कर रहा है। हां जी ड्रामेबाजियां कर देना साढ़े ना ला के। नहीं नहीं बहुत अच्छा आपने ये क्लिप जरूर से लगाए बड़ा मजा आ रहा है कसम से बोल रहा हूं इतना मजा मैंने मतलब बोल रहा हूं कि ना आज एनर्जी है ना 10 times और ज्यादा हो गई। ये टाइम में थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, 10 times बढ़ गई एनर्जी हमारी। अब समझ में आया आपने क्यों बोला। जी हाँ जी मनीष भाई फाइनली हमारे साथ आ चुके हैं। कमेंट्स में थे काफी गिला शिकवा कर रहे थे कि मौका नहीं मिल रहा, आप लोग जगह नहीं बना, तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ सबसे पहले। अब रियली सॉरी मनीष भाई आपको दिक्कत हुई, इंतजार करना पड़ा, बट स्टेज ओपन था, रश लगा है, तो क्या कह सकते हैं। कोई बात नहीं चलता है, आप फेमस आदमी हैं। जी सर बता। अच्छा मनीष भाई सनातनी भाई है ना आप हमारे? जी हाँ बिल्कुल सनातनी हूँ 100%। ठीक हो गया जबरदस्त, ठीक हो गया मनीष भाई। बहुत ज्यादा लग गया भाई भाई पहली बार आपको चैनल देखा। हाँ मैं फोन की बैटरी एकदम लास्ट पॉइंट पे है। ओहो हो यार मैं कब स्ट्रीम बुक किया? हमारी एवरी फ्राइडे को मनीष भाई होती है और आजकल एवरी फ्राइडे को गीता वर्सेस कुरान के ऊपर ना एक सब्जेक्ट चल रहा है। आज हमारा तीसरा एपिसोड था, तो अब नेक्स्ट ये है कि जो आज एपिसोड होना था वो तो एक जाहिल तट पूंजी की वजह से स्किप हो गया। चलें अच्छा रहा वो भी सब्जेक्ट, ताकि पब्लिक के सामने पोल खुली के सनातन धर्म का वो माल ऐंठने के लिए कैसे वो मामला करते हैं वो तो चले आ जाएगा। तो आप एवरी फ्राइडे मनीष भाई होता है उसमें आया करें। मनीष भाई आप आर्य समाज से? नहीं यार समाज से नहीं, लेकिन आप पुराण और मूर्ति पूजा को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, अच्छे तरीके से मानते हैं। ठीक हो गया। भगवत गीता पर आपका आस्था और आपका विश्वास है भगवत गीता पे? जी आप सिर्फ क्वेश्चन करेंगे या पलट के हम भी क्वेश्चन कर सकते हैं? सिर्फ मैं क्वेश्चन करूंगा क्योंकि अभी मुझे आपको जानना है, आप फर्स्ट टाइम आया तो मैं आपको जानना चाह रहा हूँ आपका पक्ष क्या है। आप हाँ जी वही आज हम भी सिर्फ जानने आए हैं। नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करते करेंगे, एक क्वेश्चन आप पूछिएगा जिस पे पूछना हो आप, तो भगवत गीता पे वेद पे पुराण पे शास्त्र पे उपनिषद पे किसी भी चीज पे ए टू जेड आप क्वेश्चन आप पूछिएगा। हाँ बिल्कुल 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 जी जी एक क्वेश्चन आप पूछिएगा उसको जवाब मैं दूंगा बिल्कुल क्लियर करके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा आपकी कुरान और हदीस पर, ठीक उसका जवाब आप दे दीजिएगा। ठीक है ऐसा कर लेते हैं, ठीक है जबरदस्त बहुत अच्छा हो गया, ऐसा कर लेते हैं। जी नहीं जबरदस्त जबरदस्त बड़ी फेयर बात आपने की, बड़ी न्याय पर आधारित बात आपने की, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा कर लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के हम आप शब्द इस्तेमाल करें। जाने के बाद ये जो आपके भाई बंधु हैं बैठे हुए, जाने के बाद बड़ा वो डींगे मारी जाती है ना कि ये होगा वो होगा ये कर देता वो कर देता है ना, ये नहीं चाहते हैं कि ये हो। ठीक है ऐसा करते हैं हम आपके सामने कर देते हैं कि तेरी ऐसी की तैसी, अगली बार आई तेरी चित्रोल करता हूँ, ठीक है अगली बार मिलते हैं, ठीक है सवालों जो आपके साथ आपके सामने कर दिया, गिला शिकवा तो नहीं ना, बुरा तो नहीं लगा आपको, आपके सामने किया ना भाई, देखे जैसे आपकी इच्छा वैसा फल, ठीक हो गया। भगवत गीता भी यही कहती है, तो अब चूंकि नेक्स्ट टाइम बात हुई थी तो यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलती, यहाँ हम जूते उसको ज्यादा मारते हैं जिसको अपनी गर्दन में सरिया फील होता है, उसका सरिया मैं पहले तोड़ता हूँ। मनीष भाई आप ऐसा करें नेक्स्ट टाइम आए, नेक्स्ट टाइम एक सवाल आप करेंगे कुरान के ऊपर, एक सवाल मैं करूंगा गीता के ऊपर, ठीक है चल पज जाता हूँ, चल वेलन कतू, अभी मेरी बैटरी लो है, अभी मेरा शुगर लो है, अभी मेरा बीपी लो है,
अभी मेरा टेम्परेचर लो है, तो इधर मैंगो लेने आया तेरी खातर स्टेज खाली करवा करवा के, नीचे लिंक दे दे के मेरे मॉडरेटर टेढ़े हो गए हैं, है? मेरा बीपी लो है, मेरी बैटरी लो है, मेरी शुगर लो है, मेरा टेम्परेचर लो है, तो पहले चार्ज करवा, मोरी के अंदर चार्जर ठुकवा, उसको फुल करवा, जैसे मेरी बैटरी चार्ज होती है ऐसे टन सीधा ऐसे तसल्ली से बात करनी है, पैर पर वजन देकर, हवा के अंदर नहीं। मेरे पीछे से ना करिएगा, पीछे से इसको दिक्कत होती है, दर्द ज्यादा होती है, हाँ इसके पीछे से ना करें, ये याद रखें। नंबर वन। नंबर दो, आज ही बात होनी थी, ये जी मैं अगली बार करूंगा, जान पहचान हो गई, अब आपको मेरी पल्स का पता चल गया, मेरे अंदाज का, नेक्स्ट टाइम आना है, बड़े सनातनी आते हैं, बड़े तरीके से बात होती है, बड़े सलीके से बात होती है, आइएगा आके अच्छे से बात करेंगे, यहां पर डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, हम मोदी को बूट की नोक पर रखते हैं, अगर वो डिक्टेटर बने तुम्हारी क्या औकात है, हम मोदी को नहीं मानते, हम अमेरिका को नहीं मानते, हम रूस को नहीं मानते, हम सिर्फ एक ही खालिक को मानते हैं, अल्लाह को, हमारे साथ नहीं नसीहतें शसीहतें करनी है जनाब, ऐसे चल लें तो वैसे चल लें, दलील की बुनियाद पर बात होगी तो होगी, बात सिंपल, जिस किसी को अपनी बड़ी छम्मा छम्मा है, छुई मुई है, वो आवाज हक से कति दूर रहे, इतना ही है। हमारे आश्रम में वो आए इस्लामोफोब, जिसको खुजली हो, क्योंकि आज जो सनातनी मोस्टली आ रहे हैं एक दो को छोड़ के, वो सनातनी हैं जो किसी मिशन पर आए हैं यहां, क्योंकि उनकी आज उनके भगवान का प्राण प्रतिष्ठा मैंने फेल कर दिया है लाइव के अंदर, तो आज उनको चुल उठी हुई है कि उनके साथ हुई क्या है, आज आके शानपत्ती करने की कोशिश करेंगे, तो आज की फिजा, आज का माहौल, आज का मौसम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक हो गया ना प्यारे भाई। हाँ, हमारे पैनलिस्ट जो चाहेंगे वो बात करेंगे, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, सिंपल सी बात है यार। आज तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आनी है, यकीन करें रोर भाई, सही मुस्लिम भाई, ओए होए होए, अति उत्तम, अति आनंद, आज मैं खुशी में सोऊंगा, मतलब हमेशा खुशी में ही सोता हूँ, धुलाई देखने के बाद बड़ी अच्छी नींद आती है, यकीन कर। अच्छा, ये सुपर चैटें इकट्ठी करते हैं फिर बेचारे पार्टी करते हैं, और हम इतने सादा हैं, हम देसी स्टाइल, हम इनका शिकार करते हैं और पार्टी करते हैं, आए अल्लाह, अलग ही मजा है इसका, तो जीरो इन्वेस्टमेंट 100% एंटरटेनमेंट, और किसी का दबाव नहीं, ये भी है किसी का दबाव नहीं, बिल्कुल किसी का दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, नहीं तो फिर अमित साहब ही लगा रहेगा आप देख रहे थे कितना मिठास से बात कर रहा था अमित साहब, जरा माइक बढ़ाइए, अमित साहब ऐसा लग रहा है कि बाथरूम में दोनों हो, और वो अच्छा, लगा है दूसरा माइक लगा, आमिर भाई अगली बार अगर अगर आपकी उससे बात हो तो आपने उससे पूछना जरूरी है कि अगर उस दिन मैं कॉल ना करता तो तू क्या पीता, फिर गौ मूत्र और क्या ये पूछ ला है आज नहीं, आज अंग्रेजी का वो अंग्रेजी मिल गई ना, नहीं तो फिर वो पुराना जो स्टूडेंट का पैक होता ना ओल्ड मंक, वही पी रहा होता, चढ़ा रहा होता अभी जाके जी, आज आमिर भाई की वजह से अंग्रेजी पी लेगा, पीना तो है इसको। जबरदस्त जबरदस्त जी, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक तो मुस्लिम कॉलर हैं, फिर एक दो सनातनी कॉलर्स भी नजर आ रहे हैं, एक मुस्लिम कॉलर को लेके हमारे भाई को, एक दो कॉलर्स को मुस्लिम को लेते हैं ताकि बैलेंस रहे ना, क्योंकि दो तीन मैंने सनातनी ले लिए हैं तो बैलेंस रहे ताकि ज्यादती ना हो। मोइन अंसारी भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई, क्या क्या हाल है आमिर भाई? और भाई सही मुस्लिम A1 फर्स्ट क्लास आमिर भाई, ये जो जिसने पाकिस्तान के सिनेमा जाकर दी थी ना, ये बहुत बदतमीज आदमी था, ब्लास्ट नहीं कर रहा था कि मैं आपको बार बार मैसेज भी कर रहा था, बहुत पीछे तो आज के बाद में ब्लॉग ही कर देना है, बहुत बहुत गंदी गंदी गालियां इसमें दे रहा था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन
ये कह रहा था कि जो है ना जो शिव जी थे ना उन्होंने मोहिनी के पीछे पूरा माल जो है ना उबलता हुआ माल गिरा दिया जी। ओ पिछवाड़ा सड़ गया था मोहिनी का जी जी जी। अच्छा छाले पड़ गए होंगे ना। चलो झंडू बाम लगा लेंगे। आज जो ये जो मेरा उवाच हुई है बड़े ही सांस्कृतिक माहौल में, उसके बाद में इसकी मैं साहिल की जो है ना ये कैरियर एंडिंग स्कीम रही है। आज के बाद में अमिताभ भाई मैं बता रहा हूँ आपसे, कल से सुपर चैट बिल्कुल बंद। ये जो अपने गुर्गा भेज रहा है ना ये यहाँ पे, ये माहौल को वो करने के लिए भेज रहा है। इसी के चेले चमाटे हैं सारे जितने आए हुए हैं, ये जितने नीचे बैठे हैं और ये सारे इसी के चेले चमाटे हैं। दूसरी बात आप देखना, एक दो तीन दिन चार दिन एक हफ्ते के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कोई बड़ा हिंदुत्व का प्रोपोनेंट ये लेके आएगा, उसे कहेगा कि इसे प्रमोट करने के लिए दोबारा से, इसे रिस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि इसे आपने जो है ना जो बिल्कुल डेमोलिश कर दिया था, बिल्कुल धर्म भरम कर दिया, नशे मन क्या हो गया। क्योंकि ये अपनी एक तो जो कुछ इसने हिंदुत्व के लिए कराया वो तो कराया ही कराया, इसने जो इसकी वो थी ना एक इसने हाइप बना रखी थी कि मैं यूं कर दूंगा, आज आपने जो है ना इसे मोड़ पे लिया, डिलीट करने के लिए डिलीट करने के लिए राजी हो गया ये इसके लिए बिल्कुल जो है ना बिल्कुल जो है ना आपने नंगा कर दिया बिल्कुल चौक बिल्कुल ये है ना। आप ये देख लो किसी या तो लेके आएगा उसे बारह सिंह को, याद रखना मेरी बात, या तो बारह सिंह को लेके आएगा या इसी लेके आएगा, वही जुड़ा है ना वो भगवत आदि उसे लेके आएगा, ये कहेगा कि सपोर्ट करो इन्हें। असल में स्ट्रीम वसूल हो गए जी जी जी। असल में इसको पता नहीं है कि इसके साथ हो क्या गया है। हुआ मसला ये है कि अब ये हिंदुइज्म को खुल के सपोर्ट करे तो फंस जाएगा। अब अपने मुंह से लाइव बोलकर चला गया कि मैं पोस्ट डिलीट कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि ये अपने उस स्टांस, देखें मिसाल के तौर पे मेरा कोई ओपिनियन है, मेरा कोई स्टांस है, ऐसी की तैसी मुझे कोई डिलीट करे मैं कहूंगा डिबेट कर मेरे साथ, जो मेरी पोस्ट है आ जा डिबेट कर, तेरी ऐसी की तैसी दलाल पेश कर मैदान में निकल, मैं अपने एक एक हर्फ के साथ खड़ा हूंगा ना, मेरा स्टांस होगा। तो ये बंदा पोस्ट लगा के कहता मैं डिलीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि साफ मैसेज गया पब्लिक को कि इस बंदे ने हिंदुओं की भावनाओं का शोषण किया है, इनके साथ वैचारिक बलात्कार किया है, सनातनियों के साथ बलात्कार है, बलात्कार हिंदुत्व का बलात्कार इसी ने करा। सबसे बड़ा आमिर भाई इसने जो है ना इसने वो करा दे जो सभी नहीं करा सका, यहाँ तक कि एडम फिगर भी नहीं करा सका ना, वो कुछ ना करा दिया। अच्छा फिर उसके बाद कहना शुरू हो गया, यानी थक गया बेचारा ना पागल थक गया, आगे से कहता है लोग बोर हो रहे हैं बस मैं जा रहा हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ आखिरी बारी। उसको पता चल गया था कि जिस बंदे ने मुझे कॉल किया ना अल्लाह के हुक्म से, ये 440 वोल्ट का झटका है, इसकी आत्मा तक करंट गया था, बल्कि इसकी उस तोते को भी करंट लगा था, उन सनातनियों को जिनके तोते के अंदर इसकी जान थी उनको भी करंट पड़े, उनको पता चल गया मुझे इस बंदे तो से जान छोड़ो वोल्ट का महसूस हुआ जो चीखे निकले। आमिर भाई मैं ऐलान करके जा रहा हूं, यहां पे ऐलान करके जा रहा हूं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो इसने पोस्ट लगाई थी ना उसकी खचवाले की जो स्ट्रीम शेयर की थी, मैं ऐलान करके जा रहा हूं ये उस स्ट्रीम पे जो आपने फुल सेट किया उसने किया ना भगवत गीता वर्सेस कुरान, इस पर जो है ना शुरू के मैं 14 पॉइंट जो इसने बताया ना 14 नहीं पहले 2 पॉइंट पर बात कर ले, सिर्फ 2 पॉइंट पे और हर पॉइंट से 20,000 रुपए मेरी तरफ से 25,000 रुपए क्या जा रखवा ले फोन पे पे। अच्छा यो 10,000 रुपए मैं आपके सामने इन 2 पॉइंट पर बात करने के लिए बैठ गया, 10,000 रुपए भी डला ले भाई, ये बस मांग रहा है ना, मैं 10,000 रुपए मैं बता रहा हूँ क्या जहाँ डला लेंगे, फोन पे कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, गूगल पे फोन पे जो भी गए पेटीएम तो मैं चलाता नहीं, पेटीएम फोन पे गूगल पे गएगा अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, 2 पॉइंट पर बैठ गया बात कर ले, ये मर जाए इसकी नानी मर जाएगी आने का। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये बात कर ले क्योंकि आमिर भाई हैं बड़े बेशरम, इन्हें कुछ पता नहीं पैदा चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है ना मौत हो जाएगी। अच्छा मैं इन 2 पॉइंट पर बात कर ले और 1 घंटा बात कर ले 20,000 रुपए अलग से 1 घंटे के लिए दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही,
जबरदस्त हो गया। चले आपका पैगाम चला गया, लेट्स सी क्या बनता। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। थैंक यू जी। ये थे मोइन अंसारी भाई हमारे साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और मुस्लिम कॉलर को लेके बैलेंस करके ना, फिर उसके बाद एक दो सनातनी भाई मुझे नजर आ रहे हैं। ओए होए होए यार, मैं आज देख रहा हूँ। अच्छा मैंने एक चीज नोट किया, श्री कृष्णा की बैंड बजाऊं या श्री राम की लुंगी उतार के दौड़ लगवाऊं या सीता जी के गीत गाऊं या राधा जी पर वारी जाऊं, इनको कोई परवाह नहीं होती। एक्स मुस्लिम साहिल के पिछवाड़े में आवाज हक का तीर कोकोनट का ऑयल लगाकर और ऊपर आगे सिंदूर भर के मैंने उसके पिछवाड़े की मोरी के अंदर से घुसा के यूं राइट तरफ टिल्ट किया, सारे हिंदुओं की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, टों टों टों, जैसे कुत्ते का घींट फंस जाता है ना तो सारे कुत्ते और कुतियां निकल आते हैं, आओ 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 आओ। ऐसे मैं बैक स्टेज पे देख रहा हूँ, एक दो आए हैं वो चीखें मार रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। तो लेता हूँ, टेंशन ना लो, तत्ता तवा कर लूं उसके ऊपर बिठाता हूँ तुम लोगों को, टेंशन ना लो, बिठाता हूँ बिठाता हूँ, सुकून करो जरा। तुम लोग इतने मेरे लाडले नहीं हो, तुमने दीदियों के रिश्ते नहीं दिए हुए कि तुमको लूं। मेरे मुसलमान भाइयां हैं, उनसे भी बात करनी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लाइन में लगो, चलो क्या भाई। तुम्हारे जनाब न्यू भगवान साहिल को आज मैंने जो है ना वो चपेड़े मारी हैं, तो तुम्हारी क्या औकात और हैसियत है। नस गई, एक भाग गया, भाग गया एक। अच्छा जो आज चली, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम, बिल्कुल आ गया। कहता जी टाइम सोने का हो गया है, ये साहिल की स्ट्रीम जब 8-8, 10-10 घंटे की सुनते हो, उस वक्त तो कच्छा पहनकर पंखा चलाकर बनियान से खुजाता हुआ सुन रहा होता है तू, हैं? आज तुझे नींद आ रही है क्यों? मैं इतना जिस मिशन के लिए आया है, थोड़ी तपस्या भी काट ना, थोड़ा कष्ट काट जिस चिल्ले के लिए आया है। हाँ तुम्हें मैं घसीटूंगा ज्यादा और पीटूंगा कम। जी जवेद भाई वेलकम। जी बात जी आमिर भाई, ये मेरी पहली कोई जो है ज्वाइनिंग है किसी भी स्ट्रीम में, तो और पहली ज्वाइनिंग में इत्तेफाक से तारीखी जो आपकी ये फतह कहूंगा मैं तो, माशाल्लाह जिस तरह आपने इनको लपेटा है जबरदस्त, मजा आ गया। तो मुझे जो है इस पे अगर इजाजत ने तो 2-3 शेर हैं, हजरत हसन बिन साबित याद आ गया, उनका कसीदा जो है, इजाजत हो तो पढ़ूं? जी जी पढ़ें पढ़ें जरूर पढ़ें। हजवत मुहम्मदन फअजबत अनहु वइंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ा। और इसका जो सबसे जबरदस्त शेर है वो तो ये है, फइन अबी व वालिदहु वअयुदी लियुदी मुहम्मदिन मिनकुम बिक़ा। तो माशाल्लाह आपको देख के ना बिल्कुल हसन बिन साबित बिल्कुल सामने आ गए, बिल्कुल माशाल्लाह। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, भाई किधर कहां वो लोग हैं? नहीं नहीं हजरत, जमाने जमाने की बात है, जिस तरह उनके अशआर जो है उनके तीरुत से भी ज्यादा उनको लगते थे, आपके जो अल्फाज है माशाल्लाह वैसे ही। और अभी जो ये सही मुस्लिम साहब ये सूरह रूम का जब जिक्र आया था तो इन्होंने कहा था कि इसमें दो वो जो है पेशन गोइयां थी, एक तो है कि ये रूम अभी जो है मकलूब हुआ है फिर ये गालिब आएगा, और दूसरी उन्होंने कहा था कि इसमें जंगे बदर की भी है। तो आप कह रहे थे कि जो ना ये तो मक्की सूरत है, तो सूरत तो मक्की है, इसमें जंगे बदर की भी पेशन गोई थी, और वो आयत है वह यौम यफरहुल मुमिनून, कि जिस दिन जब ये रूमी जो है फिर गालिब आएंगे उस दिन मुसलमान भी खुश होंगे। तो फिर जिस दिन रूमी गालिब आए थे वो एग्जैक्टली वही दिन था जंगे बदर का। उसमें भी जो तफसीर है ना इस आयत की, आयत नंबर 4 की, उसमें जो है इब्ने अब्बास का जो हवाला दे रखा है उन्होंने, तो उन्होंने कहीं से तफसीर वो ली है। हाँ, तो उनका कॉल है उसके अंदर। नहीं जबरदस्त माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात आपने इजाफा कर दिया। मैं क्या समझा था मैं आपको बताता हूँ। मैं ये समझा कि जो सूरह रोम की आयत नाजिल हुई है ना ये बदर के वक्त पे हुई है, मुझे ये गलती लगी थी, इसलिए मैंने कहा ये मुझे गलती लग गई। और मैंने इसलिए कहा कि सूरह रोम जो ये तो मक्की है और बदर, मैंने बोला था ना, मैंने कहा बदर तो मदीना में हुई है और ये मक्की सूरत है, तो ये मुझे कंफ्यूजन हुई। और उस वक्त सही मुस्लिम साहब जो ना आपका ये सब इश्काल समझ नहीं सके थे, और इसमें तो माशाल्लाह जबरदस्त
ये पेशन गोई तो एजाजुल कुरान में शामिल है ना, कि कुरान की पेशन गोई कैसे बहुत सही साबित हुई माशाल्लाह। बेशक बेशक इसमें कोई शक नहीं। आपने इस्लाह की, आपने इस्लाह की बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया जवाद भाई हमारे साथ थे। एक और बड़े प्यारे दोस्त हैं इब्ने दाऊद भाई हमारे साथ। अगर ये वही है, वही है। वालेकुम अस्सलाम। वही होगी उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें ज्यादा लंबी बात नहीं। वो तो कोई 8-10 साल से ही आ रही है। तो भाई होना चाहिए मुख्य से हमेशा इतने बच्चों की आवाज आ रही होती है। वही मैं कहता हूँ कि इब्ने दाऊद भाई के बच्चे बड़े नहीं होते या क्या है। अच्छा बात देखो, अभी जो आया था ना दीपक, या उसने बड़ी जबरदस्त बात की। कहता है भाई कि आप पाकिस्तानी हो, आपको कैसे समझ में आएगी गीता, और खुद समझने के लिए अकेला अंग्रेजी तर्जुमा दो। यार ये हद नहीं होगी कि पाकिस्तानी की समझ में नहीं आएगी, वो अंग्रेज की समझ में आएगी जिसे तर्जुमा करके दिया है उसको। यार क्या लोग हैं यार। अच्छा अंग्रेजी भी नहीं, इंग्लिश। हाँ इंग्लिश। एक और चीज थी वो आपसे एक जिक्र कर देता हूँ, आपको पता तो चली होगी भाई। आप यूपी के रहने वाले आमिर भाई, आपको ये इख्तियार नहीं है, आपका ये हक नहीं है। खबरदार, अगर आपने आइंदा उर्दू बोली, आप उर्दू बोलना छोड़ दीजिए। हाँ ये भी उसने बड़ा अजीब बोला, ये बड़ी अजीब बात की इसने कि तुम्हारा लहजा जो है ना वो और है। नहीं उसको पता ही नहीं है फिर। आमिर भाई वो हमारे पाकिस्तान के एक भाई ने। ओ अच्छा अच्छा हाँ 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 आपका हाँ यार, यार ओ बड़ा बेकार है। अंदाजा करो क्या चीजें यार। बस ऐसे उसने दो उसको चाहिए दो जुमले उसने बोले, दो जुमले उसको माफी मांगनी चाहिए। एक तो इंडिया के उसको इंडिया के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, ये उसने बहुत गलत बात की है, हकीकत बता रहा हूँ। आमिर भाई इसका जो मैं ये कहूँ कि सबसे पहले जो फसादात हुए थे या जो झगड़ा हुआ था हिंदू मुस्लिम का जो हुआ था, उसकी बुनियाद उर्दू थी। और उर्दू वो जुबान है जिसकी बुनियादें इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर हैं, मौजूदा भारत के अंदर हैं। बेशक एक पूरा इदारा है जिन्होंने इसको इसके तहफ्फुज़ के लिए और इसको प्रिजर्व करने के लिए मेहनत कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान। एक और मैं बताऊं, इस इदारे की जो रेखता है उससे मैं बड़ा इख्तलाफ रखता हूं, क्योंकि उन्होंने जो है ना उर्दू का तहफ्फुज़ तो कर रहे हैं लेकिन वो तहजीब का नहीं कर रहे। जो है वो जो इसका तशख्खुस है असल में उससे हटाकर मजहबी रंग के अंदर लिबरलिज्म बहुत ज्यादा लेकर आ रहे हैं। नहीं नहीं वो उसको तहजीबी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखें जुबानें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम के तहजीब और तमद्दुन और सकाफत के हवाले से अपने उसूल और अपने मुबादी और अपना मैकेनिज्म है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कुरान के दलाइल से उसका हमें इशारा भी मिलता है और सरहद के साथ पूरी बहस मौजूद है। मगर जुबानें जैसे इब्ने हजम अल अंदलुसी ने अल अहकाम फी उसूल अल अहकाम के अंदर जुबान के ऊपर बहस की है पहले वॉल्यूम के अंदर। जुबानें अहमियत रखती हैं और जुबानों के जरिए आइडियाज, नजरियात, दलाइल, अखलाकियात, समाजियात, सियासियात, माशियात और इसी तरीके से दूसरे जो नजरियात हैं वो उनका तबादला होता है। तो जुबानें बेसिकली फिर एक सकाफत और तहजीब की अमीन बन जाती हैं, उनकी अमानतदार होती हैं और उनकी हामिल हो जाती हैं। हिंदुस्तान के अंदर बर्रे सगीर की तकसीम से पहले उर्दू जुबान इस्लामी तहजीब और सकाफत की अमीन बनकर उठी थी। बिल्कुल ठीक है, या उससे पहले फारसी थी, फिर फारसी के बाद उर्दू हुई और उर्दू जो है इस वक्त वो मुसलमानों की मुत्तफिका तौर पर तहजीबी यानी यहाँ इलाकाई एक जुबान के तौर पर मुतारिफ हुई। तो ये बड़ा एक बुरा जुमला था और मैं अच्छा कि आपने इस तरह तवज्जो दिलाई है। मैं बात नहीं इस पर करना चाहता था मगर यह है कि आपने जो तवज्जो दिलाई है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नाम लिए बगैर उस शख्स को अपनी जाती किसी आदमी से खार या दुश्मनी या अनाद या बुगज या व्हाटएवर हसद या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, उसकी वजह से इंडिया के मुसलमानों के बारे में मजमूई तौर पर यह जुमला बोल, जो बंदा निजामे इस्लाम की बात करता हो, जो खिलाफत की बात करता हो, जो सियासी
मंजरनामे के ऊपर इस्लाम को एक पॉलिटिकल वर्ल्ड वाइड सिस्टम, ग्लोबल सिस्टम के तौर पर मुतारफ कराना चाहता हो, वो इस तरह की छिछोरी और नीची बात